सिर्फ ये जंगल पे मिलते हैं। साथ बहुत बढ़िया जंगली आनो का पौधा की पत्ती। ये है ड्राई पेज के बिना हम लोग का खाना वाना आधा अधूरा होता है। तो गाइस ये है अकरकरा, बहुत बढ़िया। दोस्तों स्वागत है फिर से और एक नए वीडियो पे। तो दोस्तों आज मैं खाने वाला हूँ जंगली का अनोखा पौधा का सब्जी से, मैं उससे बनाऊंगा केला के फूल से और मेरे पास है अकरकरा, तो बॉयल करके बनाऊंगा बिल्कुल लोकल स्टाइल से। तो देख तो गाइस ये है कुछ अनोखा पौधा जो कि ये जंगल पे मिलते हैं, तो जंगल से मैं लाया हूँ, ये लगा दिया हूँ, तो ये खाने के लायक बन चुके हैं। इतना ज्यादा काट लिया हमको। अरे यार वीडियो रिकॉर्ड करते करते तो गाइस वीडियो रिकॉर्ड करते करते मेरे बहन को यहाँ पर जंगल वाला मधुमक्खी पूरा कीड़ा वो काट लिया, बहुत दर्द कर रही है बेचारी का। तो मैं सामने जाके देखता हूँ ताकि मुझे भी खाते, नहीं छोड़ूंगा। ये बदमाश, ये जो कि ये एक अनोखा पौधा है, सिर्फ ये जंगल पे मिलता है, तो ये लगाने से भी होते हैं। तो इसका सब्जी मैं आज खाऊंगा खाने के साथ। बहुत बढ़िया, इस पौधा को मतलब कुछ लोग आयुर्वेदिक के तौर पर यूज करते हैं। तो इसको मैं तोड़ता हूँ अभी, तो मैं इसको मतलब अभी बनाऊंगा बिल्कुल किसके साथ में, जंगली केला के फूल के साथ, जो कि मैं ये परसों लेके आया था जंगल में, बस एक ही मिला, मैं उसको खाने के लिए रखा हूँ मैं। तो ये पत्ता को मैं लेकर जाऊंगा, बहुत बढ़िया। ये गाइस बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर भी है, इससे मैं बस बिल्कुल बॉयल करके खाऊंगा मस्त करके, बहुत बढ़िया। दोस्तों ये पूरा है, तो पता नहीं आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते ये अकरकरा, तो हमारा इधर पे तो खाया जाता है बॉयल करके मिर्ची के साथ बिल्कुल साग की तरह। तो गाइस मैं परसों है ना, जो कि ये बनाना फूल के लिए मैं इतना जंगल घुमा हूँ, मैं इतना खुजली पत्ता लगा, इसी के कारण से मैं आज इस बना के खाऊंगा जंगली पत्ता के साथ बढ़िया करके, इसके बस इतना ही निकला। तो वीडियो बनाते बनाते लाइट ही चला गया, कोई बात नहीं अंदर करके बनाऊंगा वीडियो में। अब ये बाहर का चिंता, ये किसी काम का नहीं, बस अंदर का फूल खाना है, बड़ा वाला बुद्धा वाला नहीं, छोटा छोटा वाला। तो यहाँ पर अकरकरा मैं इसे बॉयल करके खाऊंगा, तो मैं वो जंगली का पत्ता में वॉश कर दिया हूँ, कट के मैं रखा हूँ। तो मैं सबसे पहले केला का फूल को पकाएंगे, उसके बाद यही पकाएंगे, क्योंकि मतलब ये जल्दी फल देते हैं। तो ये आने का सब्जी मतलब शहर में नहीं मिलता है, सिर्फ जंगल में और गांव पे मिलता है। तो गैस मतलब आंध्रा पे वीडियो रिकॉर्ड करना इतना क्लियर नहीं है, उसका विजिबिलिटी इतना क्लियर नहीं होता है आंध्रा पे वीडियो बनाना। तो मैं अभी खिड़की की तरफ आ गया हूँ, तो ये हमारा घर है, ये खिड़की और इधर पे ही, और इधर पे मतलब कई प्रकार का सब्जी है, इधर पे पूरा ये पूरा का पूरा सब्जी है, सब्जी की कोई कमी नहीं है हमारे घर पे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सब कुछ डाला हूँ, नमक मिर्ची यहाँ पर ड्राई पीस करके पूरा बॉयल है, कोई तेल मतलब नहीं डाला, फ्राई तरह नहीं है, ऐसे करके खाया जाता है हमारे यहाँ का लोकल खाना, जो कि सबके सब बॉयल होते हैं। बना फ्लेवर की दही हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो गैस ये केला का फूल पूरा पक चुके हैं, पूरा कुकिंग कम्प्लीट इसका, तो मैं डाल लूंगा ये, मुझे इसका नाम पता नहीं हिंदी से क्या कहते हैं, अगर आपको पता है तो इसका नाम को जरूर बताना कमेंट करके। तो ये मतलब मुझे सिर्फ ये पता है कि ये खाया जाता है और ये हमारे घर पे लगाया हूँ मैं, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों फाइनली पक चुके हैं जंगली केला के फूल और ये जंगली अनोखा पौधा की पत्ती, ये खाने के लायक हो चुके हैं। तो मैं इसको निकालूंगा आग से, तो मैं खाऊंगा, खाने की शुरुआत करूंगा, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो गैस काल से वही सब्जी जो कि काल एक बच्चा लेके आया था हम लोग को दिया था, झींगा ये और ड्राई पीस था, और यहाँ पर बिंदी है, और ये यहाँ पर है केला का फेर का सब्जी। तो कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते हैं, लेकिन आसाम से बताया गया कि आसाम में कुछ लोग खाते हैं, लेकिन कुछ लोग बोल रहा है कभी नहीं खाया ऐसा है, कुछ लोग ट्राई करना पड़ेगा, जरूर ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया है ये सब्जी। यहाँ पर अकरकरा है, अकरकरा जो कि ये जंगली का पत्ता, ये अकरकरा भी जंगली है। तो यहाँ पर केला के फूल की सब्जी है, तो ये केला का फेर का सब्जी है, मिर्ची है, बिंदी और झींगा है ये।
तो गैस ये है द्रापिस, जो कि हमारे इधर में बहुत खाते हैं द्रापिस। इसका मतलब एक किलो लगभग यहाँ पर 650 रुपये के आसपास है, लेकिन दूसरा जगह में तो सस्ता मिलता है, हमारे जगह में बहुत महंगा बेचते हैं ये व्यापारी लोग। तो इसके बिना हम लोग का खाना वाना आधा अधूरा रहता है। बहुत बढ़िया द्रापिस। हाँ, कुछ लोग कहते हैं बंगड़ा मांस और हम लोग कहते हैं सूरी मांस, क्योंकि चाकू की तरह लंबा होता है ये। बहुत बढ़िया दोस्तों। यह होता है ट्राइबल का खाना, जंगल की तरफ खाते हैं जंगली लोग। तो ये तो गैस ये है अकरकरा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गैस ये अकरकरा बहुत खाते हैं हमारे गांव के लोग। बहुत बढ़िया अकरकरा की जय हो। जंगली आयुर्वेदिक की दवाई। अरे मतलब कोई भी खाने का सब वीडियो मैं अपलोड नहीं किया, मैं पहली बार कर रहा हूँ अपलोड आकर करा। तो गैस ये है मेरी बहन, ये मतलब जल्दी खाना खा रही है, तो मैं थोड़ा लेट हुआ था, जो कि क्लास में पढ़ रही है, नाम है अस्मिता, इसका भी यूट्यूब चैनल है। तो कैसा रहा मैं बनाया हुआ खाना? बहुत बढ़िया जक्कास जक्कास एकदम। और दोस्तों अभी मेरी बहन भी खाएगी अकरकरा, तो मैं ये फर्स्ट टाइम खाऊंगी जिंदगी में, पहली बार। इसके पहले मैंने एक बार भी नहीं खाया था, आज पहली बार है अकरकरा। कैसा जलता है ना? थोड़ा थोड़ा जल रहा है। कैसा है अकरकरा का टेस्ट? थोड़ा थोड़ा जल रहा है मुंह में, पता नहीं क्यों, शायद इसलिए ये दवा है, इसलिए आयुर्वेदिक का। आया तरह तरह जल रहा है मुंह पे, कैसा लग रहा है हमको, अच्छा है लेकिन। बहुत बढ़िया। खाना वाना सब क्लियर हो चुके हैं, जिससे कि हमारे यहाँ का लोकल सब्जी जंगली सब्जी है, दो तीन प्रकार का जंगली सब्जी बनाया हूँ मैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे इधर में गांव पे मतलब ट्राइबल में दूर दूर जगह पे गांव पे मतलब रूरल एरिया पे कैसे खाना खाते हैं, बिल्कुल बॉयल। तो दोस्तों कुछ दोस्त ने डिमांड किया है कि कमेंट करके कि मुझे ब्रह्मपुत्र रिवर दिखाओ। तो गाइस आज मैं दिखाने वाला हूँ ब्रह्मपुत्र रिवर का क्लिप छोटा छोटा करके लास्ट में इस वीडियो के अंत में। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर नेटवर्क मतलब बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर पाना, तो एक वीडियो अपलोड करने के लिए लगभग लगता है एक या डेढ़ घंटा के आसपास। तो वहाँ पर आलूबारे में अपलोड करने के लिए लगभग लगेगा 10-15 मिनट में यूं ही अपलोड हो जाता है वीडियो। तो ऐसे भी वीडियो अपलोड करने के लिए जाना पड़ेगा, तो मैं साथ ही में अंत में ऐड कर दूंगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का व्यूज कैसे कैसे होता है नज़ारा दिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी हमारे यहाँ पर तरह तरह बारिशें हो रहे हैं, तो मैं दिखाऊँ बारिशें हो रहे हैं तो नदी का स्तर तरह बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली बार फिर से, तो मैं जाऊँगा 3-4 घंटे के बाद। ये है खीरा, अभी मैं खीरा खाने के बाद जाऊँगा वीडियो अपलोड करने के लिए। बहुत बढ़िया। ये हमारा घर का खीरा है, खीरा खा गया। ये वेजिटेरियन है हमारा कुत्ता चतुआ, देख पूरा खाता है वेजिटेरियन। गैस ये है वेजिटेरियन डॉग चतुआ, पूरा हम लोग जो खाते हैं वो भी खाता है, पूरा वेजिटेरियन, पूरा फूल बेच है। वाह क्या बात है, ले वेजिटेरियन खीरा खाता है, खीरा ले खीरा लो चतुआ, बहुत बढ़िया, और खाओ। ये इधर भी है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों कुछ दोस्तों ने कमेंट किया है कि मुझे ब्रह्मपुत्र का रिवर दिखाओ, तो दोस्तों ये है ब्रह्मपुत्र रिवर आपके लिए। दोस्तों अभी शायद बारिश भी हो सकता है, तो इसी के कारण से अभी का मतलब बादल पूरा पूरा काला काला हो रहा है। तो ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, बहुत बड़ा रिवर है जो कि ऊपर में बहुत छोटा होता है, यहाँ पर 4-5-10-12 नदी मतलब एक साथ मिलके, तो यहाँ पर नीचे आके बहुत बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर इतना छोटा है। तो गाइस आशा में पहुँचते ही ये नदी मतलब बड़ा हो जाते हैं। अरे भाई मैं जितना भी गर्मी हो कभी कभी मैं तो भाई मैं जितना भी गर्मी हो मैं कपड़ा पहनता नहीं, क्योंकि मैं खाला होना चाहता हूँ।
मुझे बहुत पसंद है काला होने के लिए। काला ही तो क्या है दिलवाले।